हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। सो दोस्तों, आज का जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है और आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और आप इसे किसी भी सैमसंग डिवाइस में जो है इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कौन सी ट्रिक है और आपने इसे कैसे करना है, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। सो दोस्तों, ये जो है अपने जैसे कि कोई भी डिवाइस रहेगा उस हिसाब से ये सेट हो जाती है। मेरे पास जो सैमसंग गलेक्सी S10 है तो मैं इसमें करके बताऊँगा। जैसे कि आपके फ़ोन में जो है एक नोटिफिकेशन लाइट आती है जो कि आपके हर एक डिवाइस में अवेलेबल नहीं होती, और मेरे गैलेक्सी S10 है इसमें नोटिफिकेशन लाइट नहीं है। जैसे कि मुझे कोई मैसेज आता है या फिर मैं फोन पर अपना फोन चार्जिंग पे लगाता हूँ तो मुझे कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पे नहीं आती है। जो लाइट होती है, कोई भी नोटिफिकेशन लाइट यहाँ पे ऑन नहीं होती है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, लेट मी नो। इसका मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। आपने यहाँ पे जाना है, इसके सभी परमिशंस को अलाउ कर देना है। 3 परमिशंस मांगेगा। इन सभी परमिशन को अलाउ करने के बाद आपने पहले बेसलाइन वाली सेटिंग पर जाना है, फिर यहाँ पर लेट LED इनेबल, यहाँ से इनेबल आपने कर देना है। फिर आप सेट कलर भी चेंज कर सकते हैं और LED स्टाइल यहाँ पर आपके फ़ोन के हिसाब से ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। तो आप यहाँ से अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि मैं इसे ऑन करता हूँ, जैसे अब मेरे को नोटिफिकेशन आती है, कोई मुझे मैसेज आता है तो इस तरह की नोटिफिकेशन जो है या लाइट जो है जलना स्टार्ट हो जाती है। तो काफ़ी अच्छी ट्रिक है। और इसके बाद एक और सेटिंग है, वो भी आप देखते रहिए। उसके बाद है चार्जिंग स्टाइल। तो चार्जिंग स्टाइल में यहाँ पे अगर आप फ़ोन चार्जिंग पे लगाते हैं तो आपके फ़ोन में इस तरह की जो है लाइटनिंग चलना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कि आपका फ़ोन चार्ज हो रहा है। तो काफ़ी अच्छी है ये भी। यहाँ से कलर भी आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, और यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग जो आपने खुद कर लेनी है। मैं आपको यहाँ पर एक डेमो बताता हूँ। जब मैं फ़ोन चार्जिंग पर यहाँ पर लगाता हूँ, मान लो कि मेरे फ़ोन अपना चार्जिंग पर लगाया हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, फ़ोन चार्जिंग पर लगाया हुआ है मैंने, तो यहाँ पर लाइट जो है बलना स्टार्ट हो चुकी है, मतलब कि पूरी यहाँ पे लाइटिंग जो चलना स्टार्ट हो चुकी है, मतलब कि मेरा फ़ोन चार्जिंग पे लगा हुआ है। अगर मेरे को नोटिफिकेशन आती है यहाँ पे कोई, तो यहाँ पे जो सर्कल में जो लाइट है वो जलना स्टार्ट हो जाएगी, ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगी कैमरे के आसपास। तो ये अपने साइज़ के, मतलब कि अपने फ़ोन के डिवाइस के हिसाब से सेट हो जाती है। अगर आपके पास A50 है तो यहाँ पर ड्रॉप पर जाके जो है सेट हो जाएगी। तो आप इसे किसी भी सैमसंग डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।